है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जैसे कि फर्स्ट क्लास है आज हमारे अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स और एक हमें सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। सपोज करो जितने भी बच्चे अभी दिल्ली में हैं, आपको अगर मैं केरल के स्कूल में एडमिशन करवा दूं, केरल में, साउथ में, तो आपके सामने समस्या क्या आएगी? अगर साउथ के स्कूल में मैं आपका एडमिशन करा दूं, तो आप कमेंट में बताओ समस्या किस चीज की आएगी आपको। अगर मैं केरल में आपका एडमिशन करा दूं, तो किस चीज को लेके आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, बताइए। लैंग्वेज, कंचन का जवाब आया लैंग्वेज, बिल्कुल सही जवाब। तो डेफिनेटली आप लैंग्वेज को लेके परेशान होंगे। और क्या आपके पेरेंट्स परमानेंटली, मान लो गवर्नमेंट जॉब है एक आपके पेरेंट्स की और परमानेंटली केरल में चले गए हैं, तो क्या लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको जिंदगी भर रहेगी या कुछ टाइम के लिए रहेगी, ये बताएं। जयदत्त का कल्चर, बिल्कुल सही, कल्चर भी है लैंग्वेज भी है। मैंने कहा आपके पेरेंट्स अगर चले जाते हैं तो कुछ, फॉर सम टाइम, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप सभी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया और आपके सवाल का भी जवाब आपको खुद मिल गया। सेम, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स एक तरीके का लैंग्वेज ही समझ के चलो, तो अकाउंट्स को सीखने में भी हमें काफी टाइम लगा, मतलब कि अकाउंट्स भी न्यू है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन क्लासेस आपको समझ में ना आए। मैं 1% चांसेस ले रहा हूं, वैसे तो आएगा ना आए तो आपको परेशान नहीं होना। जिस तरीके से आपको केरल में भेज दिया जाएगा, तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन समझ में नहीं आएगा, तो आप वहां से छोड़ के थोड़ी ना जाओगे, मैनेज करोगे। तो सेम कहानी यहाँ पे है। एक बार आपको थोड़े बेसिक टर्म्स पता चल जाएंगे इसके, उसके बाद फिर इसके आपको कल्चर पता चल जाएगा, जैसे कि कैसे कैसे काम होता है, तो फिर तो लगेगा सर अकाउंट से बेटर सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट ईयर का रिजल्ट जो था, अभी तो 12th के एग्जाम हुए नहीं है, जो लास्ट ईयर जो 12th के बच्चे थे, उसमें भी मैंने बच्चों के, अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स बताऊं, तो 99 आए थे सीबीएसई में मार्क्स, और 95-96 आते रहे हैं। तो बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है ये, मैं बताऊं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपने मेरे साथ साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे चैट में जवाब देते रहने और क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। जितना ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, पूछते रहोगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो आज हम अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट क्लास है, तो हम सबसे पहले लैंग्वेज से स्टार्ट करें, यानी बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स। तो आप मुझे बताइए बेसिक टर्म्स में सबसे पहले क्या सीखेंगे, मैं बता देता हूं। चलिए, हम आज सीखने वाले हैं सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल, और कैपिटल को बोलते हैं पूंजी, पूंजी, ठीक है ना? कैपिटल को बोला जाता है पूंजी। बिजनेस स्टार्ट जैसे होगा, उसके बेसिक वर्ड होता है कैपिटल। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये रहा हमारा एक दुकान, हमने एक आइडिया लिया, और आइडिया क्या लिया, आपको एक दुकान खोलनी है और आपके माइंड में आइडिया आया। मैंने आपसे पूछा कौन सी दुकान खोलोगे, आपने बोला सर सर हम जो है वो एक मोबाइल फोन की दुकान खोलेंगे, एक मोबाइल फोन की दुकान खोलेंगे। मैंने बोला अच्छा, आप मोबाइल फोन की दुकान खोलोगे। अब आप मुझे जवाब देना, मोबाइल फोन की दुकान के लिए कहीं ना कहीं तो दुकान देखनी होगी ना आपको। हाँ, मान लो आपने डिसाइड करा कि आप नेताजी सुभाष पैलेस में दुकान खोलोगे। मैंने बोला वेरी वेरी गुड। मैंने आपसे बोला कि आप जब दुकान खोलोगे तो पहला खर्चा पता ही क्या आएगा आपके ऊपर, पहला खर्चा आएगा रेंट। सपोज करो रेंट है 50,000,
सपोज करो रेंट क्या है हमारा 50,000, हाँ और क्या खर्चा आएगा, और दुकान में अब बताओ जिस मकान मालिक से आप दुकान लोगे रेंट पे, क्या उसके अंदर वो सामान भर के देगा या खाली देगा? तो जवाब होगा, सर कैसी बात कर रहे हो, खाली देगा। क्रैकिंग साउंड कह रहे हैं, क्रैकिंग साउंड। ओके, साउंड की अगर इश्यू है तो मैं दोबारा से देखिए। अब बताइए अगर कोई वॉइस में दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे चलूं। जय दत्या ने बोला, सर साउंड जो है वो दिक्कत दे रही है। अभी क्लियर है साउंड आप सभी को? बताइए, जवाब ही नहीं आया। यस डन, ठीक है। तो रेंट, अब आपको दुकान ये खाली मिलेगी ना, तो दुकान के अंदर आपको सामान भी भरना होगा, सामान। और सामान को पता है क्या बोलते हैं हम? सामान को बोलते हैं गुड्स। कोई बच्चा बता सकता है कि मोबाइल शॉप है, इसके अंदर कौन से सामान भरेंगे बेचने वाले? तो मोबाइल फोन, हेडफोन, ईयरफोन, जो भी बोल लो, रिचार्ज कूपन, ये सारा चीज, तो इसको बोलेंगे गुड्स। मान लेते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए का इसमें लगाया, और क्या दुकान में लग सकता है बताओ? मैंने सिर्फ ये गुड्स लगाया है सामान, और क्या लग सकता है दुकान में बताइए आप? कोई स्टूडेंट बताइए, और क्या क्या लग सकता है इस दुकान में? कुछ काम और भी हो सकता है क्या? फटाफट बताइए। सर्विसेस, कंचन सर्विसेस कैसे लगेगा दुकान में, और कुछ बताइए सर्विसेस। हाँ जयदित्य ने बोला, सर फर्नीचर लगेगा, बिल्कुल सही। इसमें एसी लगेगा, मैं बता देता हूं थोड़े बहुत, तो इसमें फर्नीचर लगेगा, इसमें एलईडी लगेगा, काउंटर लगेगा, बहुत सारी चीजें, यानी मैं सिंपल फर्नीचर इस दुकान के अंदर मैंने लगा दिया। और आप हमेशा अपने आप को मालिक ही समझें, कभी ना सर्वेंट समझें, हमेशा मालिक समझ के सीखना। फर्नीचर लग गया मान लेते हैं सारा, एसी वगैरह लेके 1 लाख रुपए। और ये रहा इस दुकान का मालिक, इस दुकान का मालिक मतलब मालिक है ये, मान लेते हैं ये जो मालिक है, ये रहा ये मालिक, मान लेते हैं ये कंचन है, कंचन है ये, ठीक है कंचन, आप मालिक हो इस दुकान के। तो कंचन ने इस दुकान को स्टार्ट जब किया, जब इस दुकान को कंचन ने स्टार्ट किया ना इस दुकान को कंचन ने, तो स्टार्ट करने में बताइए क्या लगाया? कुछ पैसे वगैरह लगाए कि नहीं लगाए? बताइए कंचन ने कुछ पैसे लगाए या नहीं लगाए स्टार्ट करने में? बस हाँ और ना, और कितने रुपए लगाए ये बता दीजिए आप। यस लगाए हैं, और कितने रुपए लगा दिए बताइए? तो आप बोलोगे, सर इसने बिजनेस को स्टार्ट करने में 50,000, 10 लाख और 1 लाख, टोटल 11,50,000 रुपए लगाए, टोटल 11,50,000। और जब लगाते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, तो इसको इन्वेस्ट भी बोला जाता है। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी ऑनर, जैसे कि है ये कंचन, जब कभी भी कोई भी ऑनर, तो ये जो है इस दुकान की मालिक है, तो मालकिन बोल लो आप, इसे बोलेंगे ऑनर, और इसी को बोलेंगे प्रोपराइटर, ठीक है ना? और ये इसकी दुकान है, तो इसको हम बोलेंगे बिजनेस, इसी को हम बोलेंगे फर्म, इसी को बोलेंगे एंटरप्राइसेस, इसी को बोलेंगे एंटरप्राइसेस। तो कई सारे नाम हैं। और ये गुड्स, और जो फर्नीचर लगाया है ना बिजनेस में, इसको बोलेंगे एसेट, एसेट्स। तो कैपिटल देखिए क्या होता है,
जब कभी भी ऑनर अपने बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दे, जब कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसे इन्वेस्ट करेगा और उस पैसे की मदद से गुड्स और एसेट्स खरीदेगा, उसे हम कैपिटल बोलेंगे, बड़ा ही सिंपल वर्ड में। तो कैपिटल क्या होता है, जो इसने ये पूरे पैसे लगाए ना, ये टोटल जो बताया था मैंने 10-11 लाख 50 हजार, तो इट इज अ कॉल कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, जब व्हेन अ प्रोप्राइटर या व्हेन अ ऑनर या कैपिटल रेफर्स टू दोज अमाउंट, कैपिटल वो पैसा है विच इन्वेस्टेड बाय द, इन्वेस्टेड किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोप्राइटर या ऑनर। कहाँ इन्वेस्ट करता है, इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, कॉल्ड एज अ कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड एज अ कैपिटल। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा, आप उसका डेफिनेशन में बोलिएगा क्या क्या वर्ड है उसके आगे, फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से। मैंने बोला कैपिटल रेफर्स टू दोज अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय, बताइए बाय कौन, इन्वेस्टेड बाय, कमेंट में बताइए, इन्वेस्टेड बाय ऑनर, सही जवाब, इन्वेस्टेड बाय ऑनर। इनटू, इनटू कहां, इनटू, इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू, बताइए इनटू कहां, बिजनेस, बिल्कुल सही जवाब, इनटू बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, और जब बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया तो उससे विच अमाउंट, उस अमाउंट से वो क्या क्या खरीदेगा, तो गुड्स और एसेट्स खरीदेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल बेसिकली पूंजी होता है। अब बड़े ही सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, देखो भाई कैपिटल होता है ना, आप दुकानदारी स्टार्ट करोगे ना, बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, जो पैसा लगाओगे स्टार्ट करने में, उसी को क्या बोलेंगे हम, पूंजी, और वही क्या होता है हमारा, कैपिटल। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कोई डाउट बताओ, कैपिटल की डेफिनेशन भी मैं अभी पढ़वाऊंगा, स्क्रीन पे आएगा अभी आपके, इसमें बताइए कोई डाउट है तो, कैपिटल में कोई डाउट, कैपिटल में बताइए। कंचन, जयदित्य और कौन कौन बच्चे हैं देखते हैं, नो, स्नेहा है, प्रियंका, महक, आप सब भी जवाब दें, कोई डाउट नहीं। अगला वर्ड जो आएगा हमारे पास बेसिक टर्म्स में, पहला वर्ड कैपिटल, अगले वर्ड को लेते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग नेक्स्ट वर्ड है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग। चलिए अब ड्राइंग समझते हैं क्या होता है। एक तो ड्राइंग होता है पेंटिंग करना, वो वाला ड्राइंग नहीं सीखने वाले। आज हम ड्राइंग का हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में ऐसा वर्ड है कि आपको चक्कर आ जाएगा, आहारण, आपको चक्कर आ जाएगा। इसलिए हिंदी में ना पूछे मेरे से ड्राइंग का, मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा बाय द एग्जाम्पल। अब कंचन मान लेते हैं, कंचन का कोई छोटा भाई या कोई कंचन का कोई सिस्टर, स्मॉल सिस्टर या ब्रदर है तो बताओ मुझे। कंचन बताइए, आपका कोई स्मॉल सिस्टर, यंगर सिस्टर या फिर यंगर ब्रदर है तो बताएं, मैं उसी के ऊपर एग्जाम्पल लेने वाला हूं आज। ब्रदर है, कंचन का एक ब्रदर है। अब अज्यूम करते हैं हम, ये रहा कंचन का एक ब्रदर, ये दुकान है, ठीक है, ड्राइंग हम सीखने जा रहे हैं। कंचन का एक ब्रदर है, ये रहा कंचन का ब्रदर, नाम भी बता दो कंचन क्या है, मैं नाम लिख दूं, ये बना दिया इसकी आईज, नाम, नाम क्रिश, क्रिश। तो देखिए कंचन ने बताया कि मेरे ब्रदर का नाम क्रिश। अब इसकी मैं बात करता हूं, ये मान लेते हैं है 8th क्लास में, और कंचन एक व्यापारी है, एक मालिक है और इस दुकान की मालकिन है। अब 8th क्लास में इसका ब्रदर है, ये रहा दुकान, दुकान में कंचन भी है और ये इसका रास्ता, इसका भाई यहां से आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, टिक 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 टिक, और इसका ब्रदर यहां आ गया।
कंचन के ब्रदर कृष्ण ने अपनी बताई रिपोर्ट कार्ड, और कंचन के ब्रदर के मार्क्स सुनोगे ना तो आप हिल जाओगे। इसके मार्क्स आए 99%, टॉप इन द क्लास, पूरी क्लास के अंदर इसने टॉप किया है। अब ये है कंचन और ये है इसका ब्रदर। अब कंचन ने बोला, अरे भाई तुमने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, आज तो तुमने मन खुश कर दिया, घर पे बताया? इसके ब्रदर कृष्ण ने बोला, हाँ मैंने घर पे बता दिया। तो फिर जाके कंचन ने बोला, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंचन ने क्या करा, अपने भाई को फटाफट अपने गल्ले से, अपने ड्रॉअर से निकाल के 100 रुपए का एक नोट दिया, ब्लू कलर का, नए वाला नोट, कैसा है, ब्लू कलर का है ना, एक ब्लू कलर का नोट दिया अपने भाई को। बोला, लो भाई इसके आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। इसका भाई बहुत खुश। इसके बाद इसकी सिस्टर कंचन ने बोला, भाई अब देखो लॉकडाउन आ गया है, अब ऑनलाइन पढ़ना होगा तुम्हें, और सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, तो एक काम करो, एक मोबाइल फोन भी दे दिया इसको, एक सैमसंग का मोबाइल फोन दे दिया इसको। बोला, लो भाई ये सैमसंग का मोबाइल फोन, और ये दोनों चीजें अपने साथ रखो, और मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। और कंचन के भाई ने एक ना सुनी, फटाफट मोबाइल फोन जेब में और रुपए भी जेब में, और यहां से चल ले गया। आप मुझे बताइए, बिजनेस में से दो चीजें निकाली गई हैं, एक निकाला गया है 100 रुपए और एक निकाला गया है मोबाइल फोन। ये दोनों चीजें जो निकाली गई है, ये बिजनेस का कोई इसके अंदर हित है क्या, कोई बिजनेस का बेनिफिट है, या अपने पर्सनल काम के लिए निकाला है, ये बता दीजिए। क्या ये बिजनेस के काम के लिए ऐसा किया या अपने पर्सनल काम के लिए किया, बताइए। ओके, कंचन कह रही है कृष्णा है, कृष्णा ही है, पर्सनल। जयदत्त ने बोला कि पर्सनल, बिल्कुल सही जवाब। महक ने भी बोला पर्सनल, तो ये पर्सनल एक्टिविटी के लिए निकाला गया है, ठीक है ना। अगर ये पर्सनल एक्टिविटी के लिए निकाला गया है, तो वेरी वेरी सिंपल, ड्राइंग देखो, पता ही क्या होता है, आपने क्या निकाला, दो चीजें, ये क्या है हमारा कैश, और ये क्या है हमारा गुड्स। तो ड्राइंग की डेफिनेशन मैं पहले हिंदी में फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ड्राइंग, अगर कोई व्यापारी अपने बिजनेस में से पैसा या सामान निकाल लेता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ड्रॉइंग्स रेफर्स टू दोज अमाउंट, या फिर उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ड्रॉइंग मीन्स एनी अमाउंट, अमाउंट मतलब कैश, और वैल्यू ऑफ गुड्स, विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब निकालना, जब आपने निकाला ना यहां से, तो इसको विड्रॉन बोलेंगे, विड्रॉन बाय द, किसके द्वारा निकाला गया, बाय द प्रोपराइटर, किस काम के लिए, फॉर द पर्सनल पर्पस, कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। वेन एनी अमाउंट और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल पर्पस, कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, सिंपल। अब पर्सनल पर्पस को हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं, पर्सनल को हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे थोड़ा सा घिचपिच हो गया है, तो मैं ड्रॉइंग के लिए क्या क्या बातें याद रखना है, एक तो विड्रॉन होना चाहिए, है ना, और विड्रॉन के साथ साथ कौन सा होना चाहिए, पर्सनल, और कहां से निकाला होना चाहिए, आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस फंड, आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस फंड में से निकालना चाहिए ड्रॉइंग, ठीक है ना। तो अभी हम कैपिटल और ड्रॉइंग का आपको मैं डेफिनेशन भी दिखाने वाला हूं, आप एक बार उसे पढ़ना, जो बातें बताई हैं सारी समझ में आ जाएगी। पहले इस पॉइंट में ड्रॉइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसे निकालना। चलो मैं एक ना क्रॉस क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मैं दिखाता हूं। अब कंचन ने क्या करा, बिजनेस में से 1 लाख रुपए निकाले और बिजनेस के लिए ही एक मोबाइल फोन ले लिया, बिजनेस के लिए ही दुकान के लिए एक मोबाइल फोन लेके आए। तो बताइए पर्सनल काम है या बिजनेस का काम है,
ये पर्सनल काम है या बिजनेस का काम है, बताइए। ये बिजनेस का है, तो क्या इसे हम ड्राइंग बोल सकते हैं क्या? तो जवाब है नो नो नो, इसे ड्राइंग नहीं बोलेंगे। ड्राइंग होने के लिए पर्सनल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को एक मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, इसका मतलब कि थ्योरी का पार्ट है ये। तो थ्योरी के पार्ट के लिए आप सभी को पता है कि थ्योरी भी थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, समझना। आज हमने दो डेफिनेशन करा, एक किया हमने कैपिटल और एक किया हमने ड्राइंग। देखते हैं कैपिटल और ड्राइंग की डेफिनेशन, और ये सभी मैं असाइनमेंट सेक्शन में पीडीएफ भेज दूंगा आपको। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, और डेस्कटॉप। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल नोट्स, आप इतने इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड नोट कर लीजिए जो आपको लगता है। मैं बस आपको दिखा ही रहा हूँ 11th का, और ये लीजिए मिल गया। महक ये सब नोट कर ले, कंचन आप भी नोट कर लो, आपके सामने देखिए स्क्रीन के सामने, मैं इसकी थ्योरी दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखिए, अब थ्योरी में देखिए आप, सबसे पहला डेफिनेशन कैपिटल का है, और इस कैपिटल के डेफिनेशन में देखिए मैंने क्या